एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने साल्ट एनालिसिस में बेसिक रेडिकल के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था, और जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखें। उसमें कई रीजनिंग क्वेश्चन अराइज हुए थे, उसी को लेकर मैं ये वीडियो नेक्स्ट उसका सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ। आपने फर्स्ट ग्रुप में बात किए थे कि सिल्वर के लेड मरकरी, सेकेंड ग्रुप में कॉपर लेड मरकरी, थर्ड ग्रुप में आयरन एल्यूमिनियम क्रोमियम, और फोर्थ ग्रुप में जिंक निकल कोबाल्ट मैग्नीज, फिफ्थ ग्रुप में बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम, और सिक्स ग्रुप में हमने बात की थी मैग्नीशियम आयन, और जीरो ग्रुप में हमने बात की थी अमोनियम आयन, सोडियम आयन और पोटाशियम आयन। अब ये सारे बेसिक रेडिकल हमने बेसिकली बात की थी, मगर इनमें ऐसा क्यों है कि ये क्लोराइड्स के बना रहे हैं, ये सेकंड ग्रुप में सल्फाइड बन रहा है, फिर फोर्थ में भी सल्फाइड बन रहा है, इसमें से भी हमने H2S गैस पास की थी, इसमें से भी H2S गैस पास की थी, ऐसा क्यों है कि इस केस पे ये वाले साल्ट बना रहे हैं कैटायन, इस केस पे जिंक निकल कोबाल्ट बना रहा है, क्यों बना रहे हैं ऐसे साल्ट, ये प्रेसिपिटेशन क्यों हो रही है, क्यों हाइड्रोक्साइड जो है वो केवल तीन ही बेसिक रेडिकल आयरन एल्यूमिनियम क्रोमियम बना रहा है, क्यों बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। तो हमारे माइंड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, उन सब के जवाब मैं काफी डिटेल में आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो आप एंड तक बने रहें ताकि आपके काफी बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। प्लस वन के सिलेबस में आता है हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। तो इन सब क्वेश्चन के जवाब दो कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टूडेंट डिपेंड करते हैं, एक तो कॉमन आयन इफेक्ट और दूसरा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट जो हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि सर पहले तो हमें यही बताइए कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या है और सोल्युबिलिटी इफेक्ट क्या है, दोनों की बात करता हूं। कॉमन आयन इफेक्ट बिल्कुल सिंपल, मैं पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि जब हम कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया एसिटिक एसिड और उसको हमने एक्वस मीडियम में वाटर में डिजोल्व किया, तो ये डिसोशिएट हो जाएगा एसीटेट आयन प्लस एच पॉजिटिव, एक्वस लिख देते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी आप लिख सकते हैं डीजो। तो यहां पे क्या हो जाता है, देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिसोशिएटेड आयन एंड अनडिसोशिएटेड इलेक्ट्रोलाइट, मगर जब कोई स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सेम कॉमन आयन, जैसे कि मैंने एसिटिक एसिड के अंदर सोडियम एसीटेट डाल दिया, अब ये साल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा किसके अंदर, एसीटेट आयन के अंदर और सोडियम आयन के अंदर, मगर अगर मैंने सोडियम एसीटेट को एसिटिक एसिड में डाल दिया तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एसीटेट आयन, ये कॉमन आयन प्रोड्यूस हो गया, और कॉमन आयन प्रोड्यूस होने की वजह से अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी, तो ये रिएक्शन बैक जाएगी, अगर बैक जाएगी तो इसका मतलब इसका डिसोसिएशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, द डिक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग ऑफ कॉमन आयन साल्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो एक तो हम इस इफेक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं कि किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, क्यों बन रहे हो सारा डिटेल में, फिर सेकंड रूल हम इस्तेमाल करेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है पहले हमें यह पता होना चाहिए, और क्या प्रिंसिपल है उसकी भी हम बात करते हैं। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें बेटा, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और एक वर्ड मैं इस्तेमाल करने वाला हूं आयनिक प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल क्या है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर होता है आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेट बनेंगे, और अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ग्रेटर है आपका आयनिक प्रोडक्ट से तो इसका मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, नॉट फॉर्म्ड। तो बिल्कुल सिंपल सा नियम आपको याद रखना है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो प्रेसिपिटेट बनेंगे, और अगर नहीं तो फिर नहीं। अब मेन पॉइंट ये आता है कि सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आयनिक प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है बेटा, मान लीजिए मेरे पास AgCl है, बेरियम सल्फेट है, दे आर आल्सो नोन एज स्प्रेंगली सोलुबल साल्ट। एक होते हैं कंप्लीटली सोलुबल साल्ट, जैसे NaCl जो आपने घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं,
तो स्प्रैंगली सोल्वर साल्ट नहीं, वो कंप्लीटली सोल्वर है। हमने क्या किया, थोड़ा सा नमक लिया और पानी में डिजोल्व किया, घुल गया। फिर थोड़ा सा और डिजोल्व किया, घुल गया। एक चम्मच डिजोल्व किया, घुल गया। दूसरा क्या घुल गया, मैं तीसरा या चौथा चम्मच जब मैं डिजोल्व करने लगूंगा एक ही ग्लास पानी में, तो घुलना बंद हो जाएगा, यानी इट बिकम्स ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, वो सोल्यूशन व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जब कोई साल्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देता है तो उस टाइम पर उनकी आयन के कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और एट एनी अदर और किसी भी कंसेंट्रेशन पे, मैंने आधा चम्मच जब नमक डिजोल्व किया तब भी, एक किया तब भी, और बाकी किसी भी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर मैं कंसेंट्रेशन के आयन के कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट को लेता हूं तो वो क्या कहलाता है, आयनिक प्रोडक्ट। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे AgCl है, जब ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना देगा तो उस टाइम पर जैसे Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब आयनिक प्रोडक्ट क्या लिखना है, आयनिक प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला यही होगा, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और अगर मैं Ksp की बात करूं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये भी क्या होगा, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब आपको तो ऐसा अंतर क्या है, तो ये जो ये है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर है, ये कब है सैचुरेट, ये एट एनी कंसेंट्रेशन, एट एनी कंसेंट्रेशन और एट एनी इट मे बी अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड में भी हो सकता है। अगर सैचुरेटेड है तो आयनिक प्रोडक्ट और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एक ही बात है, मगर अनसेचुरेटेड पर आयनिक प्रोडक्ट कहलाता है। तो जब आपका आयनिक प्रोडक्ट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, स्प्रैंगली सोल्वेंट। जैसे AgCl में सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की बात, बेरियम सल्फेट को तोड़े तो किसमें होगा, बेरियम 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे Ksp क्या हो जाएगा, आप कहेंगे बेरियम 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अभी मैंने एक बात का जिक्र किया था स्प्रैंगली सोल्वेबल साल्ट, तो स्प्रैंगली सोल्वेबल साल्ट वो होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में, जैसे AgCl मैंने सपोज करिए एक चम्मच डिजोल्व किया तो सारा का सारा पानी में डिजोल्व नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट उसका क्या हो जाएगा, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, मगर जितना डिजोल्व हो जाएगा और सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देगा। तो यहां पॉइंट समझने वाला है कि सारा डिजोल्व नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, तो उसको हम कहते हैं स्प्रैंगली। अगर मैं हिंदी वर्जन करूं तो नाम मात्र डिजोल्व होना, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। और जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया तो उस टाइम जो उनके प्रोडक्ट, जो ऐसे प्रोडक्ट बने तो इनकी कंसेंट्रेशन के जो प्रोडक्ट बनेगा मल्टीप्लीकेशन होगा, उसी को हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। हर एक जो साल्ट है उनका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो हमें अलग अलग साल्ट के सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता चल गए। अब हमने एक सॉल्यूशन बनाया डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन का, उसका आयनिक प्रोडक्ट निकाला। अगर आयनिक प्रोडक्ट आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आता है तब आप कहेंगे प्रेसिपिटेट बनेगा, और अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम आता है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे सर इस लॉजिक का हमारे साल्ट एनालिसिस से क्या लेना देना है, तो वो अब हम समझते हैं। देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया, पहले हमने अपना साल्ट लिया तो आपने उसको क्या कर दिया, डिल्यूट HCl में डाला, ठीक है, नो प्रेसिपिटेट। तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या हो गया, एब्सेंट। ये किया था हमने पिछली वीडियो में, नहीं देखा बेटा जरूर देख ले तभी आपको अच्छी तरह समझ आएगा। मगर सेकंड ग्रुप में हमने क्या किया, जो सॉल्यूशन बना उसमें से हमने H2S गैस को पास किया, और जब H2S गैस पास कराया तो हमारे प्रेसिपिटेट बन गए, और वो प्रेसिपिटेट कौन से बने, सल्फाइड। जैसे कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कॉपर सल्फाइड, लेड सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, ये हमारे सल्फाइड बन गए। तो जो ये सल्फाइड बने हैं प्रेसिपिटेट H2S गैस के पास करने पर क्यों बने हैं, पहली बात तो ये, तो हम क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, H2S है, H2S क्या है, वीक एसिड है। जब आप इसको क्या करेंगे, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, यानी 2H पॉजिटिव प्लस H2 नेगेटिव सल्फाइड है। अब हमने क्या किया इसमें HCl के प्रेजेंस में, क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है तो HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट डिसोसिएट इनटू कंप्लीटली, तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब क्या हो गया बेटा, राइट हैंड साइड में देखें तो H पॉजिटिव आयन कॉमन है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन अगर कॉमन है तो इसका मतलब
एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड जाता है तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैक। और अगर ये रिएक्शन बैक जा रही है तो इसका मतलब इसका डिसोसिएशन क्या हो गया, डिक्रीज। इसका मतलब क्या हो गया कि H2S सल्फाइड आयन की अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो क्या हो गया, डिक्रीज। तो ड्यू टू कॉमन आयन एच पॉजिटिव आयन सल्फाइड आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस, बट विद लो कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, इवन विद लो कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ जैसे कॉपर टू पॉजिटिव, पीबी टू पॉजिटिव और मर्करी टू पॉजिटिव विद सल्फाइड आयन, अगर जो इनका आयनिक प्रोडक्ट हमने जब निकाला दैट इज मोर देन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दीज सल्फाइड्स। तो यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि इनका आयनिक प्रोडक्ट जो आएगा यानी कॉपर टू पॉजिटिव और जो सल्फाइड आयन आपका यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है इनके जो हमने मल्टीप्लाई किया दैट इज मोर देन देयर सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई दे प्रेसिपिटेट आउट। बट अब जैसे हमारे फोर्थ ग्रुप में था निकल टू पॉजिटिव, जेडन टू पॉजिटिव, कोबाल्ट टू पॉजिटिव, अब ये जो हमारे फोर्थ ग्रुप के जो हमारे पास मेटल आयन है इनकी और जब मैंने सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई किया इस केस में तो वो क्या आई, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से कम आई, जिसकी वजह से निकल जिंक और कोबाल्ट सेकंड ग्रुप के साथ प्रेसिपिटेट आउट नहीं होते। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसी तरह अगर मैं थर्ड ग्रुप की बात करूं, थर्ड ग्रुप में क्या हो रहा है, आयरन हाइड्रोक्साइड बना रहा है FeOH साइज। अब वो हाइड्रोक्साइड क्यों बना रहा है, सेम वही लॉजिक रहेगा, हमने क्या डाल दिया अगले केस में NH4Cl और हम क्या डालते हैं NH4OH, ये दो साल डालते हैं, ध्यान से देखना। अब होता है क्या बेटा, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा, और अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये अमोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव में प्रोड्यूस होगा, कॉमन आयन क्या हो गया अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन क्या हो जाता है डिक्रीज कर देगा इसकी कंसंट्रेशन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। इसका मतलब OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बट विद लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। और जो हमारे पास कौन से ग्रुप के एलिमेंट पड़े हुए हैं Fe3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, उनके साथ जब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आयनिक प्रोडक्ट आता है दैट इज ग्रेटर देन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई दे गिव्स प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रोक्साइड। मगर जो बाकी और मेंबर हैं फोर्थ ग्रुप में जिंक पड़ा है, निकल पड़ा है, बेरियम पड़े हुए हैं फिफ्थ में, उसके बाद मैग्नीशियम पड़ा हुआ है सिक्स में, मगर इनके हाइड्रोक्साइड का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से कम होता है, इसलिए दे डू नॉट प्रेसिपिटेट एज ए हाइड्रोक्साइड। तो इसी तरह आप हर एक फैमिली के ग्रुप के अंदर देख सकते हैं कि पर्टिकुलर केवल चार या तीन चार कैटायन ही प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं, बाकी क्यों नहीं हो रहे हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है कि उन सब का आयनिक प्रोडक्ट, जिनका आयनिक प्रोडक्ट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो गया केवल वही प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं और बाकी नहीं हो रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो काफी पसंद आएगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इनको शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि न्यू अपडेट्स मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।